ए भाई साहब, यहाँ पे फिर से स्वागत है तुम लोगों का एक और नए वीडियो पे। अरे यार गाइस, बिल्कुल स्वागत है एक और नए वीडियो पर। और क्या तुम लोगों को पता है कि मुझे आज यहाँ पे प्रेसिडेंट की तरफ से यहाँ पे अवार्ड मिलने वाला है। भाई साहब पूछो क्यों। अरे हाँ गाइस, पूछो क्यों, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्यों। भाई साहब मैं बताता हूँ। हाँ चुप बता दे। भाई साहब कलवा का 3-4 दिनों से भाई साहब यहाँ पे हगना बंद हो चुका है भाई साहब, इसीलिए प्रेसिडेंट उसको बुला के कोई जवाल घोटा देने वाला है। तेरी ऐसी की तैसी, प्रेसिडेंट मेरा यहाँ पे ये सब रोक ठीक करेगा क्या? भाई साहब तो किस लिए बुला रहा है? अरे यार चुप, मैं बताता हूँ सुनो। अरे बता सिंचन, फ्रैंकिन भैया को यहाँ पे मारने के लिए बुला रहा है। अरे क्या यार तुम लोग यहाँ पे मुझे मारने के लिए प्रेसिडेंट क्यों बुलाएगा? अरे मैं बताता हूँ। हाँ तू बता, लेकिन कोई ढंग का बताना। अरे हाँ मैं ढंग का ही बताऊंगा। प्रेसिडेंट ने यहाँ पर फ्रैंकिन भैया को बुलाया है क्योंकि प्रेसिडेंट जो है ना वो फ्रैंकिन भैया से यहाँ पर सेल्फी लेना चाहता है। अरे हाँ वो तो लेना चाहता ही है। अरे हाँ क्योंकि फ्रैंकिन भैया एक नंबर का चोर है ना। भाई साहब ये बात तो मैं भूल ही गया था यार कि यहाँ पे प्रेसिडेंट भाई से यहाँ पे चोर को पकड़ता है। अरे प्रेसिडेंट चोर नहीं पकड़ता है, प्रेसिडेंट यहाँ पे भाई साहब मुझे अवार्ड देने के लिए बुला रहा है क्योंकि मैं इस लॉस सैंटोस का रखवाला हूँ। और क्या यार तुम लोग उल्टा सीधा बोल रहे हो? अरे यार फ्रैंकिन भैया, प्रेसिडेंट विला जाने में अभी तक बहुत टाइम है यार, अभी तक तो लगता है कि प्रेसिडेंट आया भी नहीं है। हाँ ये बात सही कहा है तुमने, तो फ्रैंकिन भैया चलो ना यहाँ पे हम लोग इस सामने से बीच से घूम के आते, बहुत दिनों तक हम लोग बीच पे जाके यहाँ पे बर्गर नहीं खाए। बिल्कुल यार, बर्गर बीच पे जाके बहुत दिनों तक नहीं खाया है, लेकिन यार प्रेसिडेंट के सामने अगर बर्गर खा के जाऊंगा तो फिर क्या बांस नहीं मारेगा? तो भाई साहब प्रेसिडेंट बर्गर नहीं खाता है क्या? भाई साहब ऐसा बात करता है कि क्या बताओ भाई साहब। अरे हाँ फ्रैंकिन भैया सही बात है यार, प्रेसिडेंट भी तो यहाँ पे ह्यूमन ही है और वो भी खाता है, तो फिर चलो यार जाते है। भाई साहब चलो, आज तो बड़ा बर्गर खाऊंगा। तुझे नहीं खिलाऊंगा। भाई साहब तो मत जा कलवे। अरे मैं ही नहीं खिलाऊंगा। भाई साहब ऐसा नाइंस का पे मेरे साथ कर सकता है क्या? अरे नहीं मैं मजाक कर रहा था, चलो फिलहाल हम लोग जाते हैं यहाँ पर वो क्या बोलते उसको, अरे बीच। हाँ बीच, तो बीच जाके। अरे तुम लोगों को ये सब कुछ याद रहता है और मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड किस लिए दे रहा है वो सब याद नहीं रहता? अरे कहा ना नोबिता ने कि चोर के साथ फोटो खिंचाने के लिए। अरे यार ये दोनों को बोलना ही बेकार है यार, चलो जाते हैं बीच और बीच जाके तुम लोग को बर्गर ठुसाता हूँ। अरे हाँ चलो, आपका अवार्ड सेरेमनी में कौन जाएगा, मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ। अरे हाँ तुम लोग क्यों इंटरेस्ट रहोगे भाई साहब, ये क्या भाई साहब ठोक मत दियो। अरे यार लॉरी को देखा कैसे करके आया भाई साहब। हाँ तो फिर चलो यार गाइस जाते, लेट्स गो। भाई साहब जब जानेगा प्रेसिडेंट कि तू यहाँ पे लॉस सैंटोस पे ऐसा तोड़फोड़ करता है तो भाई साहब तेरा जीना मुश्किल कर देगा। चलो यार तोड़फोड़ करते हुए यहाँ पर आ गया। ए भाई साहब प्रेसिडेंट से जाके बोलना कि वो यहाँ पे 2-4 ड्राइवर हम लोगों को दे दे। अरे क्यों? क्योंकि भाई साहब हम लोग अपने जान को यहाँ पे हाथ में रख के जाते हैं यार। यहाँ पे भाई साहब तू गाड़ी चलाता है कि क्या चलाता है? अरे चुप, मेरे गाड़ी चलाने में भाई साहब ये क्या? ए भाई साहब एक गाड़ी है कि उड़न खटोला। ए भाई साहब मैं गया। अरे कोई नहीं जाएगा, बस रुको। ओके फ्रैंकिन भैया यार मरते बचा। ओ भाई तोड़ दिया। भाई साहब तेरे को प्रेसिडेंट किस बात का अवार्ड दे रहा है कलवे, तोड़ फोड़ करने के लिए क्या? अरे नहीं यार, अवार्ड भाई साहब तोड़ फोड़ करने के लिए क्यों देगा, अवार्ड तो मुझे यूं ही दे रहा है। चलो यहाँ पे गाड़ी को पार्क कर देता हूँ भाई साहब। हाँ चलो। अरे चलो यार, अरे इस साइड से। अरे ठीक है। अरे फ्रैंकिन भैया जिंदगी में पहली बार देखा। अरे क्या कि इतना सुनसान सा गैरेज, आई मीन पार्किंग प्लेस। अरे यार हाँ बिल्कुल, चलो यहीं पर ही पार्क कर देता हूँ। ओके ये मैंने यहाँ पे ठीक से पार्क जो वो कर दिया है, चलो आ जाओ सिंचन। अरे हाँ चलो। ओके अभी थोड़ा सा बीच पे घूमते उसके बाद जाएंगे। अरे ए, अंधे। अरे किसने कहा अंधा? क्या तुम लोगों ने अंधा कहा? हाँ मैं तुम्हें अंधा कहा, दिखाई नहीं देता क्या? ये पार्किंग प्लेस कितना खाली है, खाली है इसीलिए तो मैंने यहाँ पे गाड़ी रखा। अरे यार तुम पागल हो क्या, यहाँ पे हमारा बॉस गाड़ी रखता है, इसीलिए यहाँ पे पूरा बीच को मैंने यहाँ पे पूरा खाली कर दिया है और यहाँ पे पार्किंग प्लेस पे कोई भी गाड़ी नहीं है। अच्छा तो तुम्हारा बॉस का ये गाड़ी है? अरे जिंदगी में कभी ऐसा गाड़ी देखा है? अरे देखेगा कहाँ से, तेरा तो आँख नहीं बटन है। अरे यार ऐसा गाड़ी मैं चाहूँ तो 10-12 खरीद सकता हूँ,
अरे अरे नीचे उतर नीचे उतर। ओ सॉरी प्रियंकिन भैया, ये बेकार का गाड़ी है। अरे क्या बोला बेकार का गाड़ी, जिंदगी में ऐसा गाड़ी कभी चढ़ा भी है? अरे नहीं चढ़ाओ भाई साहब, चलो चढ़ लेता हूँ, आ जाओ। अरे अरे क्या है, है गाड़ी में क्यों चढ़ रहे हो? प्रियंकिन भैया इसका इंटीरियर बेकार है यार। हाँ यार बेकार तो है इसका इंटीरियर। अरे गाड़ी से उतर। ओ भाई आ, अरे तेरा इतना हिम्मत, ये ले। अरे मार क्यों रहे हो, हमारे बॉस की गाड़ी पे आते है। मार क्यों रहा है तेरी बॉस की गाड़ी को? भाई साहब मैं दिखाता हूँ, ये ले। ओ अरे मैंने क्या कर दिया, अरे ये ले तेरे बॉस की गाड़ी तोड़ दिया। अरे गाड़ी तोड़ता है? अरे भाई साहब मेरे साथ पंगा मत लो, मैं फ्रैंकलिन क्लिंटन हूँ भाई साहब मैं। ओ अरे यार ऐसे नहीं मानोगे तुम, अभी दिखाता हूँ, ये लो। ओ अरे साथियों, अरे तेरा इतना हिम्मत। अरे क्या फ्रेंकी मैं एक से बढ़ के दो। ओ माय गॉड ये क्या भाई साहब पंगा हो गया। अरे रुक जा, गाड़ी तोड़ता है उसके ऊपर से मारपीट करता है। नहीं वो तो मैंने गलती से कर दिया। अरे रुक जा ये भाई साहब ये का। अरे ये ले। अरे पागल है क्या फ्रैंकलिन भैया, प्रेसिडेंट के पास जाने से पहले ऐसा खून खराबा मत करो। ये लोगों ने क्या सोचा है, ये गुंडा गर्दी को मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, ये लो। ओह आजा भाई साहब आजा। अरे तुझे तो छोड़ूंगा नहीं, ये ले। चल यहाँ पे बहुत हुआ भाई साहब, पता नहीं कहाँ से आया था है। ये क्या, तू कौन है रे? ये तुमने मेरे आदमी को ऐसे करके क्यों मार दिया? अच्छा तो तुम ही हो इसका बॉस? अरे हाँ मैं हूँ इसका बॉस, अबे डगन। अच्छा तुम मेरा नाम सुन लो, तुम यहाँ पर इस शहर में ऐसे करके गुंडागर्दी को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि मैं फ्रैंकलिन क्लिंटन, मैं ऐसे करके यहाँ पर गुंडागर्दी को बढ़ने हरगिज नहीं दूंगा। अरे तुझे मेरे पावर के बारे में नहीं पता, मैं तेरा पूरा खानदान खत्म कर दूंगा, अबे डगन से जो भी आज तक। भाई साहब एक झापट में यहाँ पे पूरा गिर गया और मेरा खानदान खत्म करेगा। देखो गाइस जो भी यहाँ पे खानदान उठा के बात करे ना, उसको ऐसे करके तमाचा देना चाहिए। मेरा नाम याद रखना हमेशा, कभी मत भूलना, फ्रैंकलिन क्लिंटन। फ्रैंकलिन भैया चलो। हाँ भाई साहब चलो। भाई साहब तेरा मारपीट हो गया कलवे? हाँ हो गया। तो भाई साहब अभी चल। ठीक है चलो आ जाओ। अरे यार फ्रैंकलिन भैया प्रेसिडेंट के पास अवार्ड में जाना था यार, आपने यहाँ पर इतना ज़्यादा तोड़फोड़ कर दी क्या बताओ। रुको अभी ख़त्म का हुआ है। अरे यार और क्या करोगे? अभी दिखाता और क्या करूँगा। ये लो भाई साहब, ये लो और ये लो। अरे फ्रैंकलिन भैया ये क्या कर रहे हो यार? ओके चलो भाई साहब ये क्या कर दिया? देखो अभी यहाँ पे एक बहुत जोर का फायरिंग होगा। क्या? हाँ अरे हुआ क्यों नहीं यार? भाई साहब लगता है कि कोई गड़बड़ है कलवे। अरे यार बॉम है बासी है क्या? रुको अभी दिखाता हूँ, ये लो। फ्रैंकलिन भैया गाड़ी तोड़ दिया। हाँ तोड़ दिया मेरा गाड़ी यहाँ पे भाई साहब, तोड़ा उसने, बहुत आया था मेरे साथ पंगा लेने के लिए। चलो। अरे यार चलो, बहुत हुआ इन सभी का दादागिरी। अब भाई यहाँ पे सॉरी मैंने गलत रास्ता ले लिया था। अरे बहुत हुआ इन सभी का दादागिरी, अभी चाहते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस जाके यहाँ पे हम लोग अभी अवार्ड सेरेमनी को अटेंड करते। भाई साहब इस फोटे फाटे कार को लेके जाएगा क्या? हाँ और क्या ही कर सकते हैं चौप, चलो जाते। आज तक किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि मेरे गालों पे आके तमाचा मार के जाए, लेकिन इस फ्रैंकलिन का इतना हिम्मत कि इसने मेरे गालों पे तमाचा मारा। अबे डगन को यहाँ पे आज तक किसी ने नहीं मारा, अबे डगन सबको मारता है, अभी इसका मैं सत्यानाश करता हूँ। कर दिया फोन। अरे जी बॉस बोलिए, कहा हो तुम? अरे मैं तो यहाँ पे बस अपना काम कर रहा हूँ। यहाँ पे तुम्हें फ्रैंकलिन के बारे में पता है ना? फ्रैंकलिन? अरे इसका नाम मत लीजिए, बेबी डी के साथ फ्रैंकलिन का यहाँ पे 36 का आंकड़ा है। बेबी डी फ्रैंकलिन के साथ आज से मेरा 36 का क्या 52 का आंकड़ा हो चुका है। बेबी डी इस फ्रैंकलिन को ख़त्म कर दो। अरे नहीं फ्रैंकलिन को ख़त्म मत करो, इस फ्रैंकलिन के सारा संपत्ति, इसका घर, सब कुछ ख़त्म कर दो, उसको रहने लायक मत छोड़ो। उसने मेरा इम्पोर्टेड गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया, तुम उसका घर को पूरा उड़ा दो बेबी डी।
अपने का बस काम हो जाएगा। जी मैंने बेबी डी को बोल दिया है। अबे डगन से यहाँ पे पंगा लिया ना। फ्रैंकलिन क्लिंटन तुम्हारा हाल में गिर्दो से भी यहाँ पे बदतर कर दूंगा। ओके लो प्रेसिडेंट की यहाँ पर विला के सामने हम लोग आ चुके। अरे कहाँ पर है? अरे इस जगह से अंदर जाना होता है। हाँ मैं यहाँ पे अंदर जाता हूँ, तुम लोग यहीं पर ही खड़े रहो। अरे फ्रैंकलिन भैया हम नहीं जाएंगे क्या? नहीं शिनचैन, तुम्हें यहाँ पे जाने के लिए यहाँ पर नहीं कहा गया है, इसीलिए मैं जाता हूँ। अरे ठीक है जाइए। चलो 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 भाई साहब अवार्ड लेके आता हूँ, अवार्ड सेरेमनी में जाके अवार्ड लूंगा। कम ऑन यार। तो फिर फ्रैंकलिन के घर में कोई नहीं है और इसका इतना हिम्मत कि इसने मेरे बॉस के साथ पंगा लिया। अबे डगन का क्षमता के बारे में उसको नहीं पता। अभी मैं इसकी घर को आरपीजी से ब्लास्ट करता हूँ, यहाँ पे पूरा घर तहस नहस कर दूंगा। ये लो सब कुछ यहाँ पे नष्ट कर दूंगा। लोग फ्रैंकलिन आके रोएगा, लेकिन फ्रैंकलिन को यहाँ पे रोने के लिए भी यहाँ पे कुछ तो चाहिए ना, रहने के लिए कुछ तो चाहिए ना। अब देखता हूँ फ्रैंकलिन क्लिंटन तू क्या करता है। ये लो पूरा घर तबाह कर दूंगा। ओ चलो अभी तो और बाकी है। ये लो, अरे वाह मजा आ गया। इसके घर को फोड़ने में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है। ये लो अभी और फोड़ता हूँ। ये लो चलो इसका काज भी गया। ये लो अभी यहाँ पे इसके घर में जाके और तहस नहस करता हूँ। ये फायर मोलिटोल, ये लो और ये लो, पूरे घर में आग ही आग, आग ही आग। अबे डगन से पंगा लेने का नतीजा अभी तुम्हें पता चलेगा फ्रैंकलिन। ये लो और इसी के साथ ये लो, इतना काफी है, बाकी का काम है अबे फ्रैंकलिन देख लेगा। जल रहा है। अरे तू ये ले भाई सब, तू यहाँ पे आके ये करेगा? अरे भागो रे, इसके घर का आग कौन बुझाएगा? मैं भी देखता हूँ, चल निकल। बहुत आया। अरे तू, अरे 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 आग, ये ले। अरे नहीं रे, भागो भागो भागो, चल निकल निकल यहाँ से, चल भाग यहाँ से, फूट ले। अरे ये ले, आइंदा से यहाँ पे मत आइयो, ये खा। अरे चल ये ले। अरे भाई साहब सॉरी, ये ले और ये ले। अरे यहाँ पे अगर कोई आया ना तो फिर याद रखना ऐसे करके मारा जाएगा। चलो निकल 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 निकल, बहुत आया। अरे ये ले भाई साहब, बहुत आया। चलो अभी जाता हूँ मैं। चलो गाइस यहाँ पे प्रेसिडेंट ने मेरा बहुत ही ज्यादा इज्जत किया। अरे फ्रैंकलिन भैया हम लोग गए थे गाड़ी से यार, लेकिन पैदल क्यों आ रहे हैं? अरे यार मुझे गवर्नमेंट की तरफ से गाड़ी सब कुछ मिलने वाला है, मेरे पास यहाँ पे बहुत कुछ होएगा। और पुलिस वालों ने भी कहा था कि यहाँ पर अगर यहाँ पर मुझे कोई भी समस्या आए ना तो मैं पुलिस यहाँ पे 24/7 मेरे यहाँ पर के लिए यहाँ पर पूरा तैयार है। कम ऑन गाइस। अरे हाँ चलो, ओके आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ। अरे हाँ, अरे क्या मेरे गाड़ी मेरे घर के बाहर है क्या भाई साहब? क्या, अरे क्या ये आपका घर है? ओ भाई ये मेरे घर को किसने तबाह किया? ओ माय गॉड शिनचैन, अरे आग लगाए। ओ भाई फ्रैंकलिन भैया क्या हो गया? मेरे घर को किसी ने पूरा यहाँ पर तबाह कर दिया। अरे हटिए हटिए। अरे अरे क्या मेरे घर को किसने तबाह किया? हमने आग बुझा दिया है। ओ माय गॉड ये क्या हो गया? अरे यार मेरा प्यारा घर, मेरा प्यारा घर, ये क्या हो गया यार? गाइस मुझे पता नहीं। अरे नहीं यार फ्रैंकलिन भैया क्या हो गया? अरे यार गाइस देखो यहाँ पे आग जल रहा है। फ्रैंकलिन भैया रुको रुको रुको, भाई साहब ये क्या हो गया? चुप रुक रुक भाई साहब, मैं इसको बुझाने की कोशिश करता हूँ। अरे चलो, अरे नहीं यार बुझ जा। अरे ये लो फ्रैंकलिन भैया और बुझाओ। अरे हाँ मैं बुझा ही रहा हूँ। अरे बाप रे मेरा गैस सिलेंडर फट गया, सब कुछ फट गया यार, अब मैं क्या करूँ शिनचैन? फ्रैंकलिन भैया ये किसने किया? अरे वो नहीं पता किसने किया। ओ शिट ये क्या भाई साहब, ये क्या हो गया? अरे नहीं ये क्या,
अरे यार आग 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 हटो 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 गाइस। अरे हाँ नींबू को बुझाओ। अरे बुझाई डाओ ये लो। अरे फ्रैंकलिन भैया ओ नो 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 शिनचैन ठीक है। अरे यार आग लग गया लग गया लग गया। अरे गाइस अरे ओके अरे फिलहाल ठीक हूँ। अरे क्या फिर से आग। अरे तुम लोगों ने आग को बुझाया कहाँ पर था। लो भाई साहब मैंने यहाँ पे इसको ठीक कर दिया। यार ये क्या हो गया। मैं क्या करूँगा अभी फ्रैंकलिन भैया पता नहीं। यार ये क्या करूँ भाई साहब। तू तो यहाँ पे पुलिस का मदद ले सकता है। हाँ यार मिस्टर फ्रैंकलिन क्लिंटन। कौन है यार। अरे पुलिस। अरे आप लोग क्यों। अरे हमने यहाँ पे सुना कि आपके घर में किसी ने आग लगा दिया, इसीलिए हमारा जिम्मेदारी बनता है कि यहाँ पे आपका सिक्योरिटी प्रोटेक्शन बढ़ाया जाए, क्योंकि आपके ऊपर अगर ऐसा हमला हुआ तो फिर यहाँ पे फ्रैंकलिन यहाँ पे लॉस सैंटोस खतरे में आ जाएगा, इसलिए प्रेसिडेंट नहीं चाहता कि आपको कुछ हो जाए। तो फिर क्या करें। हम आपके घर को यहाँ पे दोबारा बना देंगे और हम आपके पास यहाँ पे 24/7 हाई सिक्योरिटी रखेंगे मिस्टर फ्रैंकलिन क्लिंटन। मैं समझ गया आप लोगों को यहाँ पे जो मर्जी करना है कीजिए, और तब तक मैं जाता हूँ यहाँ पे कहाँ पर एवे डगन के पास। क्या क्या कहा नाम आपने। एवे डगन। अरे उसको आपने कहा देखा। एवे डगन के साथ आज मेरा झगड़ा हो गया था और ये काम उसी का हो सकता है। अरे एवे डगन को तो हम लोग बहुत दिनों से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, नहीं पकड़ पाया। मैं हूँ ना, मैं उसको जाके ठोक के आता हूँ। अरे अरे बंदूक। बिल्कुल मैं उसको जाके ठोक के आता हूँ। नोबिता तुम लोग पुलिस के साथ रहो। हाँ ठीक है ओके कम ऑन। अरे भाई साहब गाड़ी से उतर। अरे अरे क्या पुलिस के सामने मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं गाड़ी ले रहा हूँ। ओके गाइस यहाँ पे घर को यहाँ पे अपग्रेड करने की व्यवस्था शुरू किया जाए। अभी दिखाता हूँ इस एवे डगन को। भाई साहब मैं छोड़ूंगा नहीं। फ्रैंकलिन भैया हमारा घर पुलिस वाला सच में यहाँ पे ठीक कर देगा। कहा तो उसने भाई। ओके अभी यार सिंचन एवे डगन कहाँ रहता है। अरे मुझे क्या पता। अरे रुको भाई साहब मैं यहाँ पे अभी एक हेल्प लेता हूँ। चलो ठीक है। अरे रुको भाई साहब जब एड्रेस नहीं पता हो ना तो फिर यहाँ पे मैं लेस्टर का हेल्प लेता हूँ। लेस्टर। अरे चलो फ्रैंकलिन भैया ठीक से फोन लगा दिया। चलो यार। अरे हेलो फ्रैंकलिन। लेस्टर पूरा यहाँ पे पूरा आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे निकाल लो, गवर्नमेंट की वेबसाइट से यहाँ पे सब कुछ डेटा निकालो और एवे डगन के बारे में यहाँ पता लगाओ। क्या एवे डगन। हाँ एवे डगन की पूरा घर के बारे में यहाँ पता लगाओ वो कहाँ पे रहता है। ओके फ्रैंकलिन मैं यहाँ पे गवर्नमेंट डेटाबेस पे चेक करता हूँ। बिल्कुल। अरे ठीक है मैं रखता हूँ। ओके रख। ओके मैंने यहाँ पे लेस्टर को बोल दिया है। फ्रैंकलिन भैया लेस्टर भैया जरूर हेल्प करेगा। बिल्कुल यार हेल्प तो करेगा उस एवे डगन भाई। फ्रैंकलिन मैं ठीक हूँ। अरे हाँ ठीक हूँ गाड़ी से मैं बाहर आ गया। चलो 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 चलो। फ्रैंकलिन मैं थोड़ा धीरे करो यार, ऐसे करोगे तो मर जाएंगे। नहीं यार। अरे क्या लेस्टर का कॉल आ रहा है। रुको। हाँ लेस्टर बोल। फ्रैंकलिन मैंने गवर्नमेंट डेटाबेस चेक किया है, मैंने चेक करके देखा तेरा दुश्मन बेबी डी और यहाँ पर एवे डगन का लोकेशन सेम प्लेस में है, चले जा। क्या बेबी डी मतलब बेबी डी इन्वॉल्व है। बिल्कुल। ओके थैंक्स अ लॉट। चलो मैं चलता हूँ। बिल्कुल। ओके शिनचैन यहाँ पे लगता है ये काम बेबी डी का भी है, अभी दिखाता हूँ इसको। अरे हाँ चलो। ओके लेट्स गो। छोड़ेंगे नहीं। अभी तुम लोग यहाँ पे एक्शन देखने के लिए तैयार रह जाओ। ये लो। ओह भाई साहब। अरे सर देखो मैंने कहा था फ्रैंकलिन आ जाएगा। एवे डगन और बेबी डी तुम लोगों का अभी यहाँ पे शामत आया है। मैं पहले इनको खत्म करता हूँ उसके बाद तुम लोगों को। ओह सर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, किसको आना है आ जाओ। ये ले। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ और ये लो। ओह भाई सब ये खाओ। चलो आ जाओ ये लो। अरे ये लो। ओह सर जी ये तो पागल है सर फिराए। मैं तुम्हारी डगन और यहाँ पर मैं बेबी टी से यहाँ पे बदला लेकर ही रहूंगा। ओह अरे ये ले। ओह और ये लो। अरे ये खा। फ्रैंकलिन मैं सभी गया। अरे ये ले भाई सब बहुत आए। चलो तू अभी मुझसे लड़ फ्रैंकलिन, छोड़ूंगा नहीं। अच्छा ये ओह ओह अरे मैं इतना जल्दी हार नहीं मारूंगा। आ जा।
ये ले। आ, आ, अरे क्या बात है बेबी डी, देख क्या। अरे बेबी डी क्या हो गया, बेबी डी ये ले भाई साहब, बेबी डी ये ले। फ्रैंकलिन भैया, अरे तू मुझे कितना चोट पहुंचाएगा, ये ले। आ, इससे मैं तुझे काट दूंगा बेबी डी, तूने मेरा घर जलाया, ये ले। तेरा चमचा बेबी डी गया, डगन इस छुरी से डर। अरे नहीं नहीं नहीं, देखो मैं यहाँ पे समझौता पे आना। बहुत हुआ डगन, फ्रैंकलिन के साथ जो उलझता है ना, ये लो। अरे मैंने कुछ नहीं किया। फ्रैंकलिन के साथ जो उलझता है उसका नतीजा यही होता है, यही होता है। फ्रैंकलिन मैं मर गया। चलो अभी हम लोग घर चलते हैं, बहुत हो गया, कम ऑन। अरे हाँ चलो भाई साहब, पता नहीं घर का अभी यहाँ पे क्या हाल है। कम ऑन शिनचैन, लेट्स गो टू द होम। अरे हाँ चलो। अरे भैया जी आपका मारपीट हो गया क्या? हाँ हो गया, चलो शिनचैन। अरे हाँ चलो। ओके गाइस, पता नहीं घर का क्या हाल है, लेट्स गो टू द होम। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, मुझे ना घर में रहने के लिए बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यार। क्यों यार शिनचैन? क्योंकि फ्रैंकलिन भैया ऐसा हाल हुआ है। अरे यार ये क्या मेरा घर है? अरे लीजिए फ्रैंकलिन आ गया। भाई साहब ये क्या है, क्या ये लिटरली ये मेरा घर है? अरे जी सर ये आपका घर है। ओ भाई ये सच में मेरा घर है? अरे बस सर आपका घर ही नहीं है, आपके लिए 24/7 यहाँ पे SPG कमांडो को यहाँ पे तैनात में लगा दिया है। अरे दोस्तों नोबिता, फ्रैंकलिन भैया देखो। रुको मैं देख के आता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो सर, गुड इवनिंग। अरे गुड इवनिंग। अरे बाप रे, पूरा सिक्योरिटी गार्ड से भरा हुआ है। ए भाई साहब कलवा, भाई साहब इसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया भाई साहब। ओ भाई ये क्या है, मेरा घर है क्या? अरे बाप रे। सर आपको जो भी खाना है आप मुझे बता देना, मैं पका दूंगा। ओके। अरे क्या इसको क्या हो गया? अरे बो रेस्ट कर रहा है। ओके ठीक है यार सन बात। भाई साहब तुम्हारे हाथ में पिस्तौल? क्योंकि जो भी आएगा उसको इस पिस्तौल से भून दूंगा। अरे बाप रे बाप, मेरे लिए इतना सिक्योरिटी, ओ तेरी। अरे चलो गाइस एक बार ऊपर जाके देखते। भाई साहब मेरा जीना। अरे भाई साहब सुना ही नहीं। अरे यार चलो ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाके देख के आता हूँ। सर आप यहाँ पे ठीक से जाइए। अरे हाँ ठीक से जा रहा हूँ। ओ भाई ये तो मजेदार है शिनचैन। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया सच में। अरे क्या टूट गया? कोई नहीं हम लोग फिर से ठीक कर देंगे। ओके ओ भाई ये देखो कंप्यूटर रूम, बैठने के लिए सोफा, यहाँ पर फिर से SPG का गार्ड। अरे यहाँ पे जो भी यहाँ पे देखेगा कि आपके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है हम उसको फोड़ देंगे, डोंट वरी। ओके अरे यहाँ पे हम लोग बैठ के यहाँ पे आराम से पार्टी शार्टी कर सकते, ये तो बहुत ही ज़्यादा आलीशान है। अरे तेरी। तो फिर गाइस यार आप लोग बताओ कि आपके पे मेरा नीचे वाला फ्लोर ज़्यादा पसंद है कि ये ऊपर वाला? अरे मुझे तो ऊपर वाला आया। जल्दी से आप अपना राय यहाँ पे कमेंट करो यार। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सारा गाड़ी यहाँ पर कलेक्शन करूँगा। अरे हाँ गाड़ी रखने के लिए यहाँ पे ये जगह बनाया गया है, देखो ये गैराज के मतलब यहाँ से आएगा और इस जगह में भी गाड़ी रख सकते हैं। भाई साहब बहुत बढ़िया। अरे यार सच में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। ओ भाई ये ओ अरे भाई साहब कांच है, इतना मोटा कांच। अरे ये लो सर ये बुलेट प्रूफ है, देखता हूँ बुलेट प्रूफ कितना है। ये लो भाई साहब सच में बुलेट प्रूफ ही है। बिल्कुल सर। ओ ओ ओ भाई अरे ठीक है यार दोस्तों, देखो और घूम घूम के दिखाता हूँ, मेरा घर नहीं यार बंगलो हो चुका है बंगला। अरे यार सच में ये तो मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा हैरानी हो रहा है। अरे चलो और थोड़ा सा नीचे जाके देखता हूँ। अरे सर तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। अरे खुश मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया मैं। अरे यार गाइस मेरा हाउस इतना ज़्यादा अपग्रेडेशन मॉडिफिकेशन यार मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था। अरे क्या इसमें क्रैक आ गया है? इसमें क्रैक क्यों आ रहा है? अरे हम लोग चेंज कर देंगे, लगता है क्वालिटी कमज़ोर है। ओके मतलब मैं इस घर में मालिक हूँ। अरे बिल्कुल सर। तो फिर मेरे लिए 24/7 बॉडीगार्ड, मेरा घर इतना आलीशान। तो फिर गाइस देख के बताओ कि आपको यहाँ पे मेरा ये नया घर कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है।
अगर आप लोगों को ऐसा घर चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता दो। मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।